हे प्यारे, वेलकम बैक अगेन। सीएस रैंक पर ग्रैंड मास्टर तो ज्यादातर प्लेयर्स जाते हैं, लेकिन इस वीडियो पर जानेंगे दोगुनी स्पीड से ग्रैंड मास्टर जाने की सीक्रेट ट्रिक, जिससे आप अधिकतर मैचेस को बोया कर सकते हैं। सो ट्रिक नंबर वन, जब भी हमारा राउंड स्टार्ट होता है तो हमें कुछ कॉइन्स मिलते हैं, जिन कॉइन्स से हम लोग स्टोर से गन, वेस्ट, ग्लू वॉल एंड बाकी चीजों को ले सकते हैं। बस इसी पर छोटी सी गलती के कारण आप राउंड को भी हार सकते हैं। सिंपली आपको किसी भी चीज को खरीदने से पहले आपको उस राउंड पर आए प्लेस को देखना, क्योंकि कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पर शॉर्ट रेंज की फाइट ज्यादा से ज्यादा होती है, जैसे कि ये सारे प्लेसेस जहाँ पर आपको शॉर्ट रेंज के गन्स का यूज करना है। और मैप पर कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ पर लॉन्ग रेंज की फाइट्स ज्यादा होती है। और हाँ, बाकी चीजों को भी, चाहे वो वेस्ट हो, हेलमेट हो या फिर ग्लू वॉल, आपको सिंपली उन प्लेस के अकॉर्डिंग एंड अपने कॉइन्स के अकॉर्डिंग ही खरीदना है। आप लोग ध्यान से समझना इन चीजों को आपको किस तरह से खरीदना है। सबसे पहले आपको गन को परचेस करना है, एंड इसके बाद भी अगर कॉइन्स बचे हो तो आपको ग्लू वॉल खरीदना है ताकि आप लोग कवर ले सके। अगर और भी कॉइन्स बचे हो देन वेस्ट एंड हेलमेट को परचेस करना, और अगर इसके बाद भी आपके पास कॉइन्स बचे तो आप चाहो तो ग्लू वॉल्स को और भी ले सकते हैं या फिर गन को डबल कर सकते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह से बताया, आपको सीरियली इसी तरह से चीजों को परचेस करना है। देखो, ये ट्रिक थोड़ा सा अजीब है, लेकिन सुनो, आपने अभी तक प्रो प्लेयर से बहुत सारी चीजें सीखी हो, पर नूब प्लेयर से भी आप लोग कुछ चीजें सीख सकते हैं, और ये नूब वाली ट्रिक्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी मैचेस को जीतने में। नंबर वन, नूब प्लेयर्स कभी भी हेडशॉट मारने के पीछे नहीं होते। उनको ये मतलब नहीं होता कि बॉडी शॉट लग रहा है या फिर हेडशॉट, तो आपको भी सिर्फ हेडशॉट या वन टैप मारने की कोशिश नहीं करनी। जब आपका हेडशॉट ना लग रहा हो तो आप लोग बॉडी शॉट मार के भी बंदे को किल कर सकते हैं। दूसरी कि अगर आप अपने मैच को हार रहे होते हैं तो आपको अपनी लोकेशन को हाइड रखकर बंदे के पीछे से जाकर बंदे पर फायरिंग करना है, ताकि आप बिना डैमेज खाए और बंदे को पता लगने से पहले ही उसको किल कर सकते हैं। पर ये चीज तभी करना जब आप लोग मैच को हार रहे होंगे, क्योंकि हर बार ऐसा करने पर आप अपने गेम प्ले को ही खराब कर सकते हैं। देखो, कभी कभी हम लोग किसी घर के अंदर होते हैं जहाँ पर कहीं से भी बंदे आ सकते हैं और हमें मार सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी हेडफोन या फिर ईयरफोन का यूज करें तो आपको उसके फुटस्टेप की साउंड आ जाएगी, एंड एनिमी किस साइड से दौड़ कर आ रहा है ये भी आप पहले से ही जानकर रेडी रह सकते हैं। तो जब भी आप लोग गेम को खेलो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का यूज करके खेलना। अगर ईयरफोन का यूज नहीं करना तो आप लोग मोबाइल के साउंड को भी फुल करके खेल सकते हैं। बात करते हैं स्क्वाड की। देखो, सीएस रैंक पर बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आते हैं जो आपको आसानी से हरा सकते हैं, पर अगर आप एक बेस्ट स्क्वाड के साथ स्ट्रेटेजी बनाकर खेलते हैं तो फिर आप लोग मैच को आसानी से जीत सकते हैं। आपके स्क्वाड के सभी मेंबर्स अच्छे से सारे गन्स का यूज करना जाने, लेकिन हाँ, सब में अलग अलग स्पेशलिटी जरूर हो। एक प्लेयर नेट का सही से यूज कर सके, जो हर राउंड पर ग्रेनेड से कम एक प्लेयर को नॉक जरूर करे। दूसरा प्लेयर स्नाइपर का अच्छे से यूज करना जाने, जो स्नाइपर का यूज करके पीछे से अपने सारे टीममेट्स को कवर दे। तीसरा प्लेयर रशर हो, जो शॉर्ट रेंज पर अच्छे से फाइट को ले सके। और नंबर फोर वाला सपोर्टर एंड ऑलराउंडर रहे, जो सारे गन्स एंड नेट का भी सही से यूज कर सके और अपने टीममेट्स के साथ रहकर अपने टीममेट्स को सपोर्ट भी करे। और अगर आपके स्क्वाड में ऐसी ही बात रहे तो आपका स्क्वाड भी एक बेस्ट स्क्वाड बन सकता है। अब कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिसके पास खुद का स्क्वाड नहीं है, और इस कारण वो रैंडम प्लेयर्स के साथ रैंक पुश करते हैं। तो जो प्लेयर्स रैंडम प्लेयर्स के साथ रैंक पुश करते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल टिप्स है, ध्यान से सुनना। नंबर वन, आपको रैंडम प्लेयर्स को फॉलो करना है, यानी सिंपली रैंडम प्लेयर्स के पीछे पीछे आपको रहना है। नंबर टू, भले ही आपके नॉक होने के बाद वो आपको रिवाइव ना करे, लेकिन फिर भी उनके नॉक होने के बाद आपको उन लोगों को रिवाइव जरूर करना है, क्योंकि भाई आपके टीम पर जितने बंदे रहे आपको उतना ही फायदा होगा। नंबर थ्री, आपको अपने माइक को ऑन रखना है एंड रैंडम टीममेट्स को दोस्त बनाने की कोशिश करनी है, उनसे बातें करनी है ताकि वो आपकी हेल्प करे और आपका बात माने एंड आपके साथ रहे, तभी जाकर रैंडम प्लेयर्स के साथ आप लोग गेम को जीत सकेंगे।
ये वाली टिप बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इसका यूज सीएस रैंक पर ग्रैंड मास्टर जाने वाले प्लेयर्स करते हैं। इसका यूज करके ना सिर्फ सीएस रैंक पर बल्कि आप लोग कस्टम मैचेस को भी जीत सकेंगे। तो बहुत ही ध्यान से सुनना, सिंपली आपको ओपोनेंट एनिमी के गेम प्ले को एनालाइज करना है, यानी कि एनिमी के गेम प्ले को अच्छे तरीके से समझना है। जैसे कि आपका ओपोनेंट स्क्वाड कौन कौन से गन्स का यूज कर रहा है, कौन से कैरेक्टर्स का यूज कर रहा है, और साथ ही आपको ये भी देखना है कि आपका एनिमी शॉर्ट रेंज पर फाइट को ले रहा है या फिर लॉन्ग रेंज पर, क्योंकि कुछ प्लेयर्स लॉन्ग रेंज पर अच्छा गेम प्ले करते हैं तो कुछ प्लेयर्स शॉर्ट रेंज पर अच्छा खेलते हैं। तो सबसे पहले उनके गेम प्ले को समझना है, क्योंकि अगर वो लॉन्ग रेंज पर अच्छा खेल नहीं पा रहे हैं तो आपको लॉन्ग रेंज पर ही फाइट को लेना है। और अगर वो शॉर्ट गन या फिर किसी भी शॉर्ट रेंज के गन्स का यूज करे तो आपको उसके शॉर्ट रेंज पर कभी भी नहीं जाना। इस ट्रिक को फॉलो करने पर आप एनिमी के गन्स, कैरेक्टर एंड उनकी स्ट्रेटेजी को जान सकेंगे और उस हिसाब से आप लोग अपने गेम प्ले को कर सकेंगे। सीएस रैंक के मैचेस पर न्यू प्लेयर्स को लाने की बहुत सारी ट्रिक्स है, पर वो गेम को डिसबैलेंस भी बना सकती है। लेकिन दो ऐसे टिप्स है जिसका यूज करके अपने मैच पर आप लोग न्यू प्लेयर्स को ला सकते हैं। नंबर वन, देखो सीएस रैंक पर तीन अलग अलग तरीके के मैप्स हैं, बरमूडा, नेक्स्टेरा एंड कालाहारी। अधिकतर प्लेयर्स को बरमूडा मैप ज्यादा पसंद है, इस कारण बहुत ही कम प्लेयर्स इन दो मैप्स को डाउनलोड करते हैं। भाई मुंह की बात छील ली। आपने भी नोटिस किया होगा कि बरमूडा मैप जब जब हमारे मैच पर आती है तब तब हार्ड प्लेयर्स आते हैं। तो सिंपली आपको इन दो मैप्स को भी डाउनलोड करके रखना है ताकि सीएस रैंक के मैचेस पर आपको ये दो मैप्स भी मिले और उन मैचेस पर आपको आसान प्लेयर्स मिले। नंबर टू, जब भी आप लोग सीएस रैंक के मैचेस को लगातार बोया करते हैं तो लगातार बोया करने के कारण आपके मैच पर हार्ड प्लेयर्स आने लगते हैं। तो आपको सिंपली इस ट्रिक का यूज करना है जिससे आप लोग लगातार बोया करने पर भी आपके मैच पर हार्ड प्लेयर्स ना आए। सिंपली जब 4 से 5 सीएस रैंक मैचेस को बोया कर लो तो इसके बाद आपको कोई क्लासिक मैच स्टार्ट करना है और सिंपली मैप पर उतर कर आपको आउट भी हो जाना है। देन इसके बाद आप लोग सीएस रैंक के मैचेस को फिर से खेल सकते हैं। अब देखो ये हो गई गधों वाली बात, लेकिन भाई मैंने नोटिस किया है, तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना एंड कॉमेंट में बताना कि ये वर्किंग है या फिर नहीं। तीन ऐसे पैट्स जिसका यूज करके आप लोग सीएस रैंक मैचेस को जीत सकते हैं। नंबर वन पे आता यति पैट। इसका यूज करने पर आप लोग एक ग्रेनेड से कभी भी आउट नहीं हो सकते, ये ग्रेनेड के 30% डैमेज को कम करता है। नंबर टू पे आता फ्लैश पैट। इसका यूज करने पर जब भी आपको पीछे से डैमेज पड़े तो 25% डैमेज को कम करता है। नंबर थ्री पे आता ड्रैकी पैट। इसका यूज करने पर जब आपका एनिमी मेडिकेट का यूज कर रहा होगा और वो 30 मीटर रेंज के अंदर रहे तो आपको उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करो।